अरे प्रीति, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, इसको छोड़ो वहाँ पे। अगर आप एक कदम आगे बढ़े तो ये जहर हम अभी खा लेंगे। एक क्षण, हमारी बात समझे। हमारे प्राण, हमारा जीवन कान्हा जी का वरदान होता है, और वो जीवन वो प्राण केवल कान्हा जी को ही वापस लेने का अधिकार है, हमें नहीं। रुक जाइए प्रीति जी। तारा ने बचाई मिनी की जान। जी हाँ, सीरियल ध्रुव तारा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अपकमिंग ड्रामा, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि मिनी काफी ज्यादा परेशान है। जैसे कि आपको पता है कि ध्रुव और मिनी की शादी होने वाली थी, लेकिन मिनी को पता चल जाता है कि ध्रुव और तारा की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसे थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि ये शादी नकली है। वहीं वो दूसरी तरफ जहर खाने की कोशिश करती है, और ये देख तारा उस पर पत्थर फेंक देती है। तेरी कार्यकार केवल कान्हा जी का, हमारा नहीं। रुक जाइए। आज उसी कान्हा जी से प्रार्थना करने आया, मरने से पहले कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम ये करने दीजिए। और उसे रोक कर पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही हो मिनी तुम। तब वो बताती है उसे कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरे पेट में उसी का बच्चा है, लेकिन मैं घर पर ये बात नहीं बता सकती। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि तारा आखिर मिनी की मदद कैसे करती है, और ध्रुव इन सब में कैसे तारा का साथ देता है। वेल, इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेली बाइट्स। क्या करूं, मर जाएगी वो। कान्हा जी के पास भक्त की भक्ति को भंग नहीं करती, भाव बिना नहीं भक्ति जी। तो एक स्वभाव, जहर खा ली तो मर जाएगी वो। तुम इस पे दोगे सुना दोगे। कान्हा जी के भक्त और भक्ति में ऐसी शक्ति है कि पत्थर को भी सुदर्शन चक्र बना दे। एक For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.